आधे घंटे से सारा डिसाइड नहीं हो रहा कि पहनना क्या है। पागलों की तरह सुबह रेडी करवा दिया बस यहीं पर। मेरी सुबह यही होती है 2 बजे। वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज अप्रैल नहीं टुडे इज नवंबर। टुडे इज नवंबर नवंबर। वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज 11th ऑफ अप्रैल एंड 20 तारीख को गोवा के ट्रिप पे है। उसी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी। मैक्सिमम शॉपिंग हो चुकी है, बस थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है, वही करने जा रहा हूँ। बट थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज न्यूज़ में भी आ रहा है कि दोबारा से लॉकडाउन लग सकता है अगर ऐसा हुआ। सो हमारी टिकट्स कैंसिल हो सकती है और हमारा गोवा का प्लान रद्द हो सकता है, जिसकी हम शॉपिंग जोरों जोरों से कर रहे हैं। सो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आप यहीं होंगे ही हैं। लेट्स सी, अभी तो फिलहाल चलते हैं शॉपिंग करने। पहले मैंने वैष्णो देवी के ब्लॉग डालने थे जो कि मैं नहीं डाल पा रहा बिकॉज कुछ फाइल्स उसमें से, कुछ नहीं काफ़ी फाइल्स उसमें से करप्ट हो चुकी हैं। सो अगर जैसे ही वो रिकवर होती हैं या नहीं होती, अगर हो गई तो दोबारा से डाल दूंगा मैं वो ब्लॉग, अगर नहीं हुई तो फिर नहीं डाल पाऊंगा, माफी। क्या कर रहे हो ये? हेलो मंजुली का शक्ल गए। तलाश करती निगाहें, तब मिलेंगे। आपको थोड़ा और मोटा होना पड़ेगा, थोड़ा सा और होना पड़ेगा। उसका बोल के आके पता नहीं क्या क्या उठाई जा रही है। हाँ, उठाना उठा उठा उठा, उठा। ये थैला भरते जाओ भरते जाओ थैला। आधा थैला भर गया। ये हम थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी एक तो सी एक्टिव। मेरे कुछ देखते ही वहां जाके खड़ी होगी ये तो, शर्म आती है। यही बच्चे मिस एम आएगा तुझे, एम भूल जा, एक्सेल देख लो। क्या ऑप्शन होते तुम लोगों के पास? ब्लैक, ब्लू, ग्रे, डार्क ग्रे, ऑलिव ग्रीन, फिनिश। वो पोलका डॉट्स वाला एंड वाला आओ। चार पति और ये उसकी बीवी, इसकी शॉपिंग अभी तक नहीं हो रही। मैंने ट्राई करके फटाफट सॉर्ट भी कर लिया, इन्होंने अभी तक लिया ही नहीं, लिया ही नहीं। जब तू ट्राई कर रही थी तो मैंने जानबूझ के रिकॉर्ड ही नहीं करा। वहाँ पे 4-5 आंटियाँ खड़ी थी, मेरे को और सूट देती मेरे को, मेरा ब्लॉग बन जाता, तो इसलिए फिर मैंने ब्लॉग ही नहीं करा वहाँ पे। चित्र बनता था, आप कुछ कहना चाहेंगे उस विचित्र बंदे के बारे में? मेरे से इतना पिट जाता था, बट ठीक है कोई नहीं। यू नो मैं बड़ा शांत किस्म का आदमी हूँ, वरना बड़ा ही विचित्र बनता था। ज्यादा कुछ नहीं, सबको धमकिया दे रहा था, तेरी भैंस की तेरी बीप 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 बीप।
ये इतनी बड़ी लाइन इस दुकान में जाने के लिए क्यों? ऐसे कौन से कुर्ते पजामे बेच रहा है? इनके पास कुछ अलग ही प्रकार के कुर्ते पजामे हैं लग रहा है। दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? अपने आप को वो तो कर लेता, समझ नहीं आया। पर ये इतनी लाइन लगा के कुर्ते पजामे ले रहे हैं। अगर किसी को पता है कोई करोल बाग से रहता है या कोई देख रहा है तो बताओ यार कमेंट करके। वही वाली थी? हाँ ये वाली थी, सॉरी। दस मिनट का पावर नैप ले लिया। अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अब ऐसा कुछ होना नहीं। सो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।